नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। भारत ने इंग्लैंड में आखिरी बार टेस्ट सीरीज में जीत कब हासिल की? तो जवाब आता है साल 2007, राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की ही धरती पर हराया था और टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। लेकिन तब से लेकर अब तक कुल 14 साल हो गए हैं। भारत ने कई बार इंग्लैंड का दौरा भी किया एमएस धोनी की कप्तानी में और विराट कोहली की भी कप्तानी में, लेकिन हर बार भारत को हार का ही सामना करना पड़ा। अब पिछले ही दौरे की बात कर लीजिए, भारत को उम्मीद थी कि इस बार इंग्लैंड की कमज़ोर टीम को हराएंगे, लेकिन हुआ क्या, इंग्लैंड ने अपने ही घर में भारत को 4-1 के अंतर से मात दी थी। भारत सिर्फ एक ही टेस्ट मैच जीत सका, लेकिन सीरीज में मुंह की खानी पड़ी थी। जो रूट एंड कंपनी ने विराट कोहली को मात दी, लेकिन एक बार फिर से विराट कोहली बतौर कप्तान इंग्लैंड दौरे पर गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रचने में वो कामयाब होंगे। आगामी टेस्ट मैच और सीरीज को लेकर विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। दिनेश कार्तिक के साथ एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इंग्लैंड में जीतना नहीं बल्कि जीतने से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। विराट कोहली ने कहा, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज जीतने से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम मैदान पर कदम रखते हैं और कॉम्पिटिशन करते हैं। हम हर टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं, यही मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि फिर से ये एक कल्चर की तरह है, ये परिणाम है। भारतीय क्रिकेट के लिए इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात होगी और हमने इससे पहले भी किया है, हम इसे फिर से दोहरा सकते हैं। आपको बता दें, पिछली बार जब भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया था तो विराट कोहली का बल्ला जमकर बोला था। 3 शतक उन्होंने लगाए थे, 593 रन टेस्ट सीरीज में उन्होंने बनाए थे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से विराट कोहली को साथ नहीं मिला। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी के बल्लेबाज अगर चलते तो शायद भारत टेस्ट सीरीज अपने नाम कर सकता था। तो चलिए, कोई बात नहीं, इस बार भारत को उम्मीद है, हम इंडियन फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली की सेना इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराएंगे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।